गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव डन द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 10 इन साइंस। कल हमने साइंस बुक में लेसन नंबर 10 की रीडिंग करी थी। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज वन सेज टेक द करेक्ट आंसर। नंबर वन, टू स्टे अलाइव वी नीड, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? ए फूड, क्लोथ्स, टॉयज। सो आंसर इज फूड। नंबर टू, फूड वी डू नॉट ईट रॉयज, जो फूड हम कच्चा नहीं खा सकते हैं वो है कैरेट, रेडिश और राइस। राइस को नहीं खा सकते हैं, राइस इज द आंसर। देन नंबर थ्री, विच ऑफ दीज इज मोर एन एनर्जी गिविंग फूड, इनमें से एनर्जी गिविंग फूड क्या है? शुगर। नंबर फोर, वी शुड नॉट ईट टू मनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स एज दे आर बैड फॉर आर, हमें बहुत सारी चॉकलेट्स और स्वीट्स नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो किसके लिए बैड है? हमारे टीथ के लिए। देन फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड थिंक, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिल्ड आर, बॉडी बिल्डिंग फूड से हमारा क्या बनता है? बोन्स एंड मसल्स। प्रोटेक्टिव फूड्स प्रोटेक्ट प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग, जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं उससे क्या क्या बचाता है? वो हमें सिक होने से बचाता है। नंबर फोर, वाटर हेल्प अस टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी, वाटर की हेल्प से जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो बाहर जाता है। नंबर फाइव, वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, हमें इक्वल गैप्स पे खाना खाना चाहिए। देन मैच द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव फूड, कौन से होते हैं? कीप अवे डिजीजेस, इससे डिजीजेस दूर रहती हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो, उससे हम ग्रो कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड इनफ बट नॉट टू मच, एनर्जी गिविंग फूड जो होता है, सॉरी, एनर्जी गिविंग फूड हेल्प अस टू वर्क, एनर्जी गिविंग फूड से हम एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। वी शुड ईट इनफ बट नॉट टू मच, हमें अच्छे से खाना चाहिए बट बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। Now come to the next page. Plan a healthy diet chart for your lunch. Put the food items under the correct columns. हमें energy giving foods, body building foods और protective foods के name बताने हैं। So energy giving food, sugar, bread, rice and potato. Body building food, milk, pulses, nuts, eggs. And protective foods, fruits, vegetables, milk, butter. Then we have to tell what is good and what is bad. Number one, Jagan eats uncovered food. Uncovered food खाना चाहिए? No, this is bad. So we will write bad over here. Nikita chews the food well. Nikita अपना खाना अच्छे से chew करती है, so this is good. Vimal eats bhel puri sold by street vendors. Vimal जो है bhel puri खाता है जो street vendors sell करते हैं, so this is bad. Farah washes her hand clean before eating. Farah अपना खाना खाने से पहले अपने hand wash करती है, so this is good. नीना नेवर ईट्स फ्रूट, नीना कभी फ्रूट नहीं खाती है, सो दिस इज बैड। ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दे आर गिवन एक्सरसाइजेस इन योर बुक्स एज वेल एज इन योर कॉपीज। आपको ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स अपनी साइंस कॉपी में भी करनी है। सो दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क इन योर कॉपी, सेंड मी द वर्क फॉर करेक्शन। थैंक यू।